जितने जरूर उतनी माइक का रोल। सबसे पहले बताइए मुझे फिल्म के बारे में, उधार पे जंगी थोड़ा भूंग पर आज फायदा है एकदम थोड़ा सा भी जगह किसी तरह जी। ये फिल्म पूरी तरह से गांव की सत्य घटना पर आधारित है और एक ऐसे महिला की कहानी है जिसके जीवन में शायद ही बिल्कुल ये मुमकिन नहीं है लेकिन वो होता है, ऐसी घटना होती है। ये बाप जो है अपनी बेटी को उसकी शादी के लिए जितना परेशान होता है, उसको सुहागन बनाने के लिए जितना परेशान होता है, उससे कहीं ज़्यादा वो बाप उसे विधवा साबित करने के लिए परेशान होता है। इसका मूल सारांश यही है, यानी समाज की उदंड प्रवृत्ति के लोग, आस पास के इर्द गिर्द के लोगों द्वारा इतना प्रताड़ना दिया गया उसे, सुहागन रहते हुए भी प्रताड़ित हुई और जब औरत विधवा होती है पूरे समाज ने उसे जो है विधवा मानने से ही इनकार कर दिया और उसी उधेड़ बुन की ये पूरी कहानी है। ग्रामीण प्रदेश में शूट किया गया है, कोई भी बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ इसमें नहीं लाई गई है, बिल्कुल वही गाँव का मंडी, वही गाँव का कुआर पोरा जो कह लीजिए आप, कुआँ चाहे गांव का नाद, वही गांव की आदमी की खेती, सब कुछ बिल्कुल गांव में शूट हुआ है, पूरी तरह से गांव की फिल्म आई है। अच्छा, फिल्म में और कौन कौन स्टार कास्ट है कुछ बताइए। जी मैंने बताया पहले भी, अजीब बता रहा हूँ, इसमें स्टार कास्ट नहीं है, मैं हूँ जो कि कुछ फिल्में किया हूँ, और दूसरे संतोष श्रीवास्तव जी हैं जिनके चौहान जो इस फिल्म में हीरो हैं, मेरे साथ हैं, इनकी भी 5-6 फिल्में हैं, ये कैरेक्टर आर्टिस्ट लेकिन अजय हीरो इनकी पहली फिल्म है। बाकी स्टार कास्ट में तो उम्मीद अच्छा है, बाकी सब जी स्टिल साइड बाहर की जिंदगी एक ऐसा मेरा कैरेक्टर ऐसा हूँ, बिल्कुल एक सपोर्टिंग इंसान है जो बिल्कुल टूट चुकी होती है और उसको एक ऐसा इंसान मिलता है जो जीने के लिए उसको प्रेरित करता है और हौसला बुलंद करता है, फिर उसको काफ़ी उम्मीदें बढ़ जाती हैं और बहुत आगे चलकर उसको कामयाबी मिलती है। इस तरह का मेरा एक कैरेक्टर है जो कि एक गांव का एक ऐसा इंसान है जो सबकी हेल्प करता है। मैं इस तरह के कैरेक्टर करके बहुत संतुष्ट हूँ कि मुझे इस तरह से करने का अवसर मिला और ये मेरे आदर्श हैं सत्या जी के डायरेक्टर हैं, डायरेक्टिंग भी की है और बहुत अच्छा लगा इस वजह से। और सिनेमा बिल्कुल कम्प्लीट हो चुका है डायरेक्टिंग के द्वारा जी। ये पूरी घटना जो है मेरी आंखों के सामने से घट रही थी और मैं इसके निर्णय तक नहीं पहुंच पा रहा था क्योंकि ये घटना जैसे उस लड़की के साथ अन्याय मेरी बिल्कुल, मैंने बताया जैसे कि ये सत्य घटना पैदा नहीं थी, बिल्कुल सब कुछ अन्याय मेरी आंखों के सामने हो रहा था। मैं एक तरह से मैं वो एक जो ये किरदार कर रहे हैं तो रियल लाइफ में मैं उस किरदार को निभा रहा था कि मतलब उसका साथ दे रहा था, सपोर्ट कर रहा था, मेरे ऊपर सच में हमले भी हुए बातें लेकर के कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं जबकि ये लड़की को हम लोगों ने साबित कर दिया है कि ये लड़की इस गाँव की विधवा ही नहीं है, उस लड़के से उसकी शादी ही नहीं हुई थी, तो उसको मैंने इतराज़ किया कि नहीं यार मैं तो उसी शादी में गया था, मैं तो ये किया था, तो फिर ऐसा कैसे होता। मेरे लिए बहुत शौक था, ये बहुत ही अप्रत्याशित घटना थी कि ऐसा होता ही है क्या कि मतलब इतना सब कुछ होने के बाद भी कागज़ों में चंद कागज़ों में नाम न दर्ज होने की वजह से उसको ये साबित करवाना बहुत मुश्किल हो गया कि वो इस घर की बहू है ही नहीं। तो मुझे ये पता चला, ये लगा कि जो सरकारी मशीनरी है वो अलग काम करती है, ये हमारे जो आडंबरिक शादियां हैं वो किसी काम की नहीं है, इसके किसी भी रिकॉर्ड को सरकार में कोई मान्यता नहीं मिलती है। मैंने उस दिन महसूस किया एक छोटे से रजिस्टर में जिसका नाम दर्ज नहीं है, वो किसी की पत्नी है, किसी की बेटी है, कोई मान्यता नहीं है उसकी जब तक कि रजिस्टर में दर्ज नहीं है। मैं उस कहानी को बस बिल्कुल देख रहा था और लिख रहा था। तो अंत में जब कुछ निर्णय आया उस वक्त मैंने फिल्म को सब्मिट किया, फिल्म बनाने का विचार बनाया करना चाहिए। ये 2013 की 12 से 13 तक और 13 में घटना लगभग पटाक्षी की तरफ थी और उसी बीच मैंने इसको कंप्लीट भी किया और फिल्म उसके शूट कर।
आवाज कम, आवाज कम जी। आकाश मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसी कहानी है जो सिनेमा में इस तरह का पहला प्रयास भी है जो अच्छा लगेगा दर्शकों और मन को भाएगा, क्योंकि इस तरह की घटना होती है गांव में जो आदमी हर तरह से उसको इग्नोर करता है कि नहीं ये ऐसा नहीं हो सकता है, ये इसका भी है ही नहीं, तो उसमें इंसानियत का रास्ता भी मिल रहा है काफ़ी हद तक। हर मुश्किलों से जूझ करके वो जो कामयाबी पे आई है ये एक तरह से एक नई शुरुआत भी है और स्टोरी वाकई में बहुत ही अच्छी है, दोनों फिल्म के हर दर्शक देख सकता है, फैमिली ड्रामा है, बाकी ये कहानी है जो परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं जिसमें से बिल्कुल साफ सुथरी देखिए फिल्म सेंसर में जा रही है और इसका ट्रेलर भी चार पाँच दिन के अंदर आपको रिलीज कर दूँगा और इसमें अपनी तरह से कुछ बातें कहना चाहता हूँ। जैसे मैं भी सिनेमा से जुड़ा हुआ हूँ, एक फिल्म हमारी संगबाज खिलाड़ी जिसको यू सर्टिफिकेट मिला है, भोजपुरी में यू सर्टिफिकेट किसी फिल्म को मिलना है ये अपने आप में ही अप्रत्याशित बात है, जो 9 तारीख को बिहार में रिलीज़ हो रही है 35 थिएटर में संगबाज खिलाड़ी, उसको भी यू सर्टिफिकेट मिला है। कोशिश हमारी ये है कि सेंसर में जाए तो ये भी यहाँ के सेंसर में पहली बार हो, 6 साल के बाद 6 साल तक किसी की फिल्म को नहीं मिला यू सर्टिफिकेट। कोशिश है हमारी कि मतलब साफ सुथरी फिल्म के तौर पर ये जानी जाए, जैसा कि मैंने बताया कि लोग यहाँ रोज़ मुहूर्त होता है, रोज़ सारी बातें होती हैं, हम डिफरेंट करने जा रहे हैं, लेकिन मैं सच बताऊँ आपको दिल टूट जाता है जब कभी हम जो विदेशी डेलीगेट्स आते हैं मॉरिशस, गुयाना, फिजी, चिनार और वहाँ के जो हमारे भाषा भाषी लोग हैं जो वहाँ पर रहते हैं जिसको हम भोजपुरी भाषा ही बोलते हैं, जो गिलमिटिया बन के कभी वहाँ चले गए और उन लोगों ने वहाँ पर जाकर अपना देश बना लिया, तो मेरी जो सीधे संवाद होता है तो वहाँ गर्व बहुत होता है कि हम जो यहाँ सिनेमा निर्माण कर रहे हैं ना बिल्कुल कहीं कहीं से नकल कर रहे हैं, नाम तक की नकल है, स्टोरी तक की नकल है। तो मेरी जब बात एक बार मैंने जैसे ये सत्य घटना पर काम करने की कोशिश की, गिलमिटिया पे मैं कुछ वर्क किया हूँ और कर भी रहा हूँ, तो इसी दौरान मेरी कुछ डेलीगेट्स से बात हुई विदेशी लोगों से, उन लोगों का एक दर्द था कि हमने पूछा कि सर भोजपुरी फिल्में इतने बड़े कमाने पर बन रही है लेकिन मॉरिशस में, गुयाना में, फिजी में नहीं बन रही है क्यों? उन लोगों ने बोला कि भोजपुरी वहाँ के जो लोग हैं बहुत दिन पहले यहाँ की तब्दीली हुई सुनती हुई जज्बातों को लेकर वहाँ पहुँचे और आज के हालात में जो हिंदी सिनेमा दिखा रहा है वही भोजपुरी दिखा रहा है, हमको नहीं देखना है इसी फिल्म में, मेरी माटी उसमें नहीं दिख रही है, मेरा अपना घर मुझे नहीं दिख रहा है, मेरा अपनी कल्चर उसमें नहीं दिख रहा है, तो मैं हम लोग वहाँ पर उसको परमिशन नहीं देते। बड़ा दुख हुआ मुझे कि हम बहुत ही बड़े बड़े स्टार पैदा कर लिए, बहुत बड़े बड़े फिल्में बना लिए लेकिन अपनी माटी को नहीं छू पाए, उनकी बातों से लगता है। अपने ओपिनियन इसलिए देना चाह रहा हूँ मीडिया के माध्यम से कि उन लोगों के बीच में बैठने के बाद वो कष्ट होता है, वरना सात देश जिस भाषा को अपनाए हों और उसकी फिल्में 1.5 करोड़ ऊपर की रिटर्न नहीं दे पाए ये दुर्भाग्य की बात है। कहीं ना कहीं हमारी संस्कृतियों के साथ, कहीं ना कहीं हमारे कल्चर के साथ, और उसका एक और भी पक्ष है, एक भी और भी पहलू है जिसमें मैं कहना चाह रहा हूँ माध्यम से कास्ट कर सकता हूँ। बंगाल में मैंने प्रेस क्लब में इस बात को उठाया था क्योंकि वहाँ के जब हम पोस्टर लॉन्चिंग कर रहे थे अपनी फिल्म अनबास खिलाड़ी का, कई पत्रकारों ने इस बात को पूछा था कि आपका सिनेमा इंटरनेशनल वे पे समृद्ध नहीं है, मेरा एक ही लफ्ज था, एक ही था कि सिनेमा उस भाषा का समृद्ध होता है जिस भाषा का रंगमंच समृद्ध होता है, भोजपुरी का रंगमंच बिल्कुल नहीं बराबर है, सिनेमा की समृद्धि के बारे में सोचना भी गलत है। रंगमंच किसी भी भाषा का, उसकी संस्कृति, उसकी कला, उसके साहित्य, उसके दर्शन का होमवर्क है, जिसका होमवर्क अच्छा होता है उसका क्लास वर्क अच्छा होता है, ये मेरा मानना है। तो लोगों को लगा ऐसा, फिर लोगों ने नाच पे प्रश्न किया कि आपके यहाँ आइटम सॉन्ग जरूरी होता है, तो वो आइटम सॉन्ग तो आपका दिया हुआ नाम है, हम तो नाच जिसको हमारे गांव में नाच बोलते थे, वो नाच है, वो नाच में कहावा भी था, बहुत सारे परंपराओं की चीज़ें थी, उसको बदलते बदलते आज मॉडर्न युग में उसको आइटम बना दिए, वो अलग विषय है। रंगबाज खिलाड़ी में उस नाच का प्रयोग किया है मैंने, लेकिन बावजूद उसके आज की भोजपुरी फिल्मों में जब भी आइटम सॉन्ग के रूप में कोई नाच प्रस्तुत हो जाता है तो उसको यू सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, लेकिन उसको यू सर्टिफिकेट मिला है तो उसके पीछे का रीज़न होगा कुछ, यही है कुछ बातें जो सिनेमा के बारे में मुझे आपसे करनी थी और भी जो चाहे आप मुझे पूछ सकते हैं। देखिए सर, मेरी बात कई लोगों से हुई, ऐसे बहुत बड़े साहित्यकार हैं मनंत जी, भोजपुरी में बहुत बड़े बड़े साहित्य हैं उनके, मेरे भोजपुरी के बहुत सारे दर्शक चाहे लेकर बहुत सारी चीज़ों से वाकिफ नहीं हैं भोजपुरी के,
उसके व्याकरण से वाकिफ नहीं है, उसकी शब्दकोश से वाकिफ नहीं है, इसका बहुत कष्ट होता है, शब्दों का थोड़ा सा घाल में पता नहीं चलता। तो बात चल रही है मेरी और बहुत जल्द ही कुछ अच्छा रिजल्ट आने की कोशिश है, क्योंकि गिलमिटिया मेरा जो सब्जेक्ट है उस पर मैं काम करना चाह रहा हूँ। बहुत सारे लोगों से बातचीत चल रही है, उनका मानना यही है जैसा मैंने पहले ही बताया कि हमारी संस्कृति, हमारी कला, हमारी सभ्यता अगर दिखती है, वरना जिस तरह से आज की मेकिंग है वो तो सभी लोग बना रहे हैं। पूरे हिंदुस्तान में जैसी फिल्म बन रही है, चाटो फाइट है, दो आइटम सॉन्ग है, चाटो गाना है, और ड्रेस के पहनावे आप देख ही रहे हैं, उनको उसमें कल्चर नहीं दिखता। उनकी शिकायत यही है, ये सच भी है, झूठ भी नहीं है, इसको हम कह सकते हैं कि उसमें कल्चर हमारा।